क्वेश्चन नंबर वन, सब बच्चे ट्राई कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। देखिए करंट की यूनिट क्या होती है हमारी? करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। करंट जो होता है रिलेट करता है एम्पियर, दैट मींस कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो सिमिलरली हमको इसमें ढूंढना है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो पावर की यूनिट क्या होती है हमारी? वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है हमारी? वॉट। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। मास की यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड केजी। एंड फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो कौन सा सही आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पावर की यूनिट होती है वॉट, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास की यूनिट होती है केजी। तो ये हमारा गलत, ये हमारा गलत और ये हमारा गलत। आंसर आ गया फोर्स इक्वल्स टू न्यूटन। बोले बेटा किसी को डाउट इसमें? पहले हम इजी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं और जिनके कंसेप्ट हमको क्लियर है पहले वो करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस कंसेप्ट ज्यादा लंबे लंबे हैं और जिनके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए वो हम बाद में करेंगे। और यही पैटर्न आपको एग्जाम में फॉलो करना है, पहले इजी क्वेश्चन करना है, फिर मीडियम, फिर टफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पूरा बोथ वे डिस्कशन होगा। अगर मेरा गलत होगा तो आप बताइएगा, आपका गलत होगा तो मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों के कई आंसर आ रहे हैं, आंट, मैटरनल अंकल, ब्रदर, काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा ब्लड रिलेशन कैसे करते हैं। देखिए पहले आप लोग आंसर कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, मजा आएगा करने में इसमें आपको। इससे आपको रियल एग्जाम्स के लाइव चीजें दे नजर आएंगी। अच्छा ऐसे सवाल भी आते हैं। चलिए देखिए बेटा ब्लड रिलेशन में क्या करना है, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। शालिनी मदर्स इज द ओनली डॉटर ऑफ सूर्यास फादर। तो शालिनी की मदर, तो पहले हम बनाएंगे शालिनी को, ये हमने बनाया शालिनी, ये क्या है हमारी फीमेल है। देखो मेल के लिए क्या लेना है आपको? पॉजिटिव साइन लेना है। फीमेल के लिए क्या लेना है आपको? नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, अगर डॉटर है तो डॉटर की मदर बनानी है तो इसको ऊपर की साइड बनाएंगे, ये हमारी मदर होगी माइनस और ये माइनस। अगर इस मदर के दो बच्चे हैं, जैसे डॉटर भी है और इसका सन भी है, तो ये सामने सामने रहेंगे क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे। और अगर इस डॉटर की शादी होगी, इसका बच्चा है, तो ये और नीचे चला जाएगा, ये हायरार्की लेवल होता है। मान लो इसका कोई सन है तो ये सन, ये इसकी मदर और ये इसकी मदर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हायरार्की लेवल बना बना के। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए शालिनी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ सूर्यास फादर। ठीक है, तो शालिनी मदर, ये शालिनी होगी, ये माइनस लगी क्योंकि फीमेल है। इसकी मदर, इसकी मदर यानी ये भी माइनस। ये किसकी बेटी है हमारी? किसकी बेटी है हमारी? सूर्या के फादर की। तो ये फादर हो गए सूर्या के, यानी सूर्या उनका बेटा हो गया, यानी कि सूर्या जो है वो शालिनी के मदर के ब्रदर हैं। ये हमारे कौन हो गया? सूर्या, पॉजिटिव। और सूर्या जो है वो इस, ये जो फादर है इसका बेटा हो गया, और इसकी बहन कौन है हमारी? शालिनी की मदर। तो हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू सूर्या? तो हमारी मम्मा के जो भाई उनको क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे? मैटरनल अंकल। हमारे क्या हो जाएंगे? मैटरनल अंकल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको क्लास में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी इतना समझिए आप पहले। सबको क्लियर है बेटा? देखिए शालिनी की मदर कौन थी? ऊपर की साइड, क्योंकि वो उनसे बड़ी हैं। दोनों फीमेल है तो दोनों में माइनस। और जो शालिनी की मदर है वो अपने फादर की इकलौती डॉटर है, तो ये इसके फादर हो गए हैं और इसकी मदर है, फादर के आगे पॉजिटिव साइन। अब जो फादर है उनका एक बेटा भी है, कौन है? सूर्या। तो इनका बेटा हो गया, बट जो सूर्या है उसकी बहन कौन है? शालिनी की मदर उसकी बहन लगेंगी। तो ये मैंने सामने सामने ले लिया, अब इससे आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना रहेगा। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा बेटा कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो आंसर आएगा मैटरनल अंकल। पैटरनल अंकल कौन से होते हैं? हमारे चाचा जी। और मैटरनल अंकल कौन होते हैं? हमारे मामा जी। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा लेकिन क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा करना। बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं,
हाँ जी विशाल चौहान, रिपीट करना है आपको। देखो बेटा फिर से समझाते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, शालिनीज मदर यानी शालिनी ये होगी, ये फीमेल है तो नेगेटिव साइन, इसकी मदर ऊपर की साइड है क्योंकि उससे बड़ी है, ये भी माइनस साइन। शालिनीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ सूर्यस फादर, यानी शालिनी की मदर के जो फादर हैं वो इनसे बड़े होंगे और पॉजिटिव होंगे, वो इनकी इकलौती डॉटर है। लेकिन जो इसके फादर है शालिनी की मदर के, उसका एक सन भी है, कौन है, सूर्यस, यानी कि सूर्य इनके सन हो गए, क्या हो गया हमारा, सूर्य, जो कि पॉजिटिव साइन देगा। लेकिन जो मदर मदर होगी वो सूर्य की क्या है, सिस्टर है, तो ये दोनों एक ही रिलेशन में रहेंगे यानी सेम लेवल पे रहेंगे। अब आपको पूछा है कि शालिनी जो है वो सूर्य, ये सूर्य की क्या लगेंगे, तो शालिनी और सूर्य में क्या रिलेशन है, मामा का यानी मैटरनल अंकल का, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी, और पैटरनल अंकल मतलब चाचा जी। ठीक है, क्लियर होगा बेटा विशाल चौहान? यस सर। ठीक है, जो भाई है हमारे मामा लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीडली कीजिए, एक तरीके से मान लीजिए कि सामने एग्जाम चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं, तो स्पीडली कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम होगा, गलत होगा, तो इसके लिए इतना कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको बस अपने आंसर से मतलब रखिए, आपको नहीं पता चलना चाहिए कि सामने क्या आंसर लिखा है या चाहे क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, आप बस अपने क्वेश्चन से फोकस कीजिए। देखिए 4 से 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, +5, 9 से 10 के लिए +10, 19 से 34 के लिए +15, इसके लिए +20, यानी यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, +25, तो 54 + 25 = 79। ठीक है, तो यहाँ हमारा आएगा आंसर डी, ऑप्शन नंबर 79। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट कितना आएगा, 79 + 30 क्या आएगा, 30, तो कितना आ जाएगा हमारा, 109। ठीक है बेटा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें एडिशन वाला कंसेप्ट लग रहा था। बोलिए बेटा किसी को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी आर ओ के डैश एंड डी, वी की वैल्यू 22, R की वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 15, K की वैल्यू 11, अब पता नहीं, यहां से यहां जाने में -4, यहां से यहां जाने में -3, यहां से जाने में अगेन -4, यानी यहां पे क्या लगेगा, -3, यानी -3 कितना आता है, 8, 8 किसका होता है हमारा, H का, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, H, -4 -3 इसका लॉजिक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, तो मिक्स क्वेश्चन करने से काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो मैं हर वीक आपको एक एक सैंपल पेपर कराता चलूंगा, मॉर्निंग में सैंपल पेपर करेंगे और इवनिंग में अपना रिवीजन करते रहेंगे। चलिए अब मैं करता हूँ सॉल्व, देखिए ओ के बाद ऑडियो बर्न बेटा, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, एस टी यू, यानी ये दोनों कट करो। अब नेक्स्ट वाला टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी डब्ल्यू और एक्स भी कट कर दिया, यानी सेम लॉजिक है। नेक्स्ट सी डी ई एफ जी एच आई, एफ और जी कट करो तो ये सीक्वेंस मिल जाए, ये भी सीक है, सेम लॉजिक। लास्ट एच आई जे के एल एम एन ओ, ये कट ये कट ये कट, यानी तीन कटिंग हो रही है, यहाँ पे दो दो कटिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बस हो गया। हाँ जी बेटा, इसमें तीन नंबर्स स्किप करके आंसर लिख, नंबर अगला अल्फाबेट लिखा गया है, इसलिए ये हमारा डिफरेंट लॉजिक लेके चल रहा है, ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो आंसर लिखा है उसको मत देखिए बेटा, कुछ मिस्टेक्स है, इस वजह से गलत प्रिंटिंग हो गया, कोई बात नहीं। बोलिए बेटा किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जिनको डायरेक्शन आता है वो सॉल्व कीजिए, जिनको नहीं आता है
वो ट्राई कीजिए। सब अच्छा आंसर दीजिए फटाफट। देखिए बेटा, डायरेक्शन में कंसेप्ट नंबर वन, कितनी डायरेक्शन होती है हमारी? चार प्राइमरी होती है और चार सेकेंडरी। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये साउथ। इसके बीच में कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच में कौन होता है? ईस्ट वेस्ट। इसके बीच में कौन सा होता है? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारा वेस्ट आएगा और यहाँ पे साउथ आएगा। यहाँ पे हमारा वेस्ट और यहाँ पे हमारा साउथ, ईस्ट साउथ। यहाँ पे क्या आएगा? वेस्ट साउथ। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी आठ डायरेक्शंस होती है नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि कहीं से स्टार्ट हुआ है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में नहीं बात की गई हो, तो हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना। जब भी आपको बोले कि आपके क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिए कि नॉर्थ से स्टार्ट किया है कि ईस्ट से स्टार्ट किया है, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? सेंटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये एरो यूज करना है आपको सॉल्व करने के लिए। इस एरो का ये वाला साइड होगा राइट और ये वाला साइड होगा आपका लेफ्ट। इस एरो का ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। अब देखिए, ये बच्चे नॉर्थ आंसर भी दे रहे हैं, बेसिकली नॉर्थ शायद गलत है। चेक करते हैं। उसने बोला कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन, अब पता नहीं कौन से डायरेक्शन में, तो हम नॉर्मल सेंटर से यूज करेंगे 6 किलोमीटर। आई टर्न टू द राइट, मैं राइट घूमा, कितना? 2 किलोमीटर। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? इस साइड वाला, ये मेरा लेफ्ट हो गया, कितना? 10 किलोमीटर। इन एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये बोला है कि मैंने जो लास्ट में मूविंग किया है वो नॉर्थ साइड मूव किया है, तो बताइए आई स्टार्टेड माय जर्नी मूविंग इन विच डायरेक्शन। तो आपने, आई स्टार्टेड माय जर्नी मूविंग इन विच डायरेक्शन, तो आपने कहां से, किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है बेटा? इसने ये नहीं पूछा कहां से स्टार्ट किया है, इसने पूछा है किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया है, मूविंग इन विच डायरेक्शन। तो आपने नॉर्थ से स्टार्ट करना, नॉर्थ डायरेक्शन में अपना पहला मूवमेंट लिया है। आपने कहां लिया है पहला मूवमेंट? कहां लिया है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ। अगर ये पूछता जहां पे पहुंच गया है उसके रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, तो ये आएगा साउथ। लेकिन आपने कहां से स्टार्ट, किस साइड, ये बोल रहा है आई स्टार्टेड माय जर्नी मूविंग इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैंने पहला कदम उठाया। तो पहला कदम मैंने उठाया किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साइड में। कौन से साइड में? नॉर्थ साइड में। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सिखाएंगे आपको धीरे धीरे इसके बारे में भी। बोलो बेटा, किसी को डाउट है? जिनके साउथ आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है बेटा। अगर ये बोलता ना कि आप अपनी डेस्टिनेशन के रिस्पेक्ट में आपने कहां से स्टार्ट किया था, तो आंसर आता साउथ, यानी ये नॉर्थ होता था हमारा, ये साउथ हो जाता। बेटा देखिए, यही होता है कि जब कुछ भी ना दिया हो तो आपको पहला मूवमेंट जो लेना होता है नॉर्थ को राइट होता है, नॉर्थ लेना पड़ता है बेटा, ये लेके चलना पड़ता है। ये कंसेप्ट है, जब आपको सिखाएंगे कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या क्या चीजें एज्यूम करनी है, ये सब आपको अभी नहीं पता है लेकिन बाद में पता चलेगा कि बाय एज्यूमिंग आपको क्या क्या एज्यूम करना है। जैसे स्टार्टिंग के लिए कोई बोला नहीं था, तो स्टार्टिंग कहां से किया? सेंटर से। स्टार्टिंग कहां से किया हमने? सेंटर से, ठीक है। तो जब भी कोई चीज ना दी हो तो नॉर्मली आपको क्या लेके चलना है? बाय डिफॉल्ट कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आपको लेके चलना है, जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, साउथ भी चल सकते थे, कहीं भी चल सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये एज्यूम करना होता है, इसलिए इसको कॉमन सेंस बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग अपना आंसर दे दीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एस ए बी ओ टी ए जी ई, इसका कोड क्या दिया हमको? यू ए डी ओ वी ए आई। पहले नंबरिंग कर लो, एस की वैल्यू 19, 1, 2, 15, टी 20, A1, G हमारा 7, E5, U हमारा कितना होता है? 21,
A1 D4 O15 V22 A1 आई हमारा होता है 9 और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा जी ए आई, यहाँ पे ई आएगा आपका, यहाँ पे ई आएगा, ये हमारा 5 हो गया। अब देखिए पहले वाले में कितना डिक्रीज किया गया है, -2, पहले में कितना -2, सेकंड वाला सेम का सेम यानी +0, नो चेंज, सेकंड वाले अगेन -2, अगेन नो चेंज, अगेन -2, अगेन नो चेंज, अगेन +2 और अगेन नो चेंज, यानी +2 and +0 लेके चलो, ये लॉजिक है आपका, +2 +0 +2 +0। सॉल्व करते हैं इमरजेंसी का, EMERGENCY, E की वैल्यू 5, M13, E5, R हमारा 18, G7, E5, N हमारा 14, C हमारा 3, Y हमारा 25। पहले वाले में +2 7, सेम नेक्स्ट वाला सेम का सेम, अगेन 5 + 2 7, अगेन सेम, अगेन 9, ये अगेन सेम, अगेन +2 16, अगेन सेम, और अगेन +2 27, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 1, 25 को 26, अगेन 1। 7 वैल्यू किसकी होती है हमारी, G, 13 M 7 G, 18 हमारा R, 9 हमारा I, 5 हमारा E, 16 हमारा C, 16 हमारा P, 3 हमारा C और 1 हमारा A। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए बेटा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको बाद में करते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया, वो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए अब हम कराते हैं, आप देखिएगा, देखिए आप बेटा यहाँ पे कितना लिखा है 1, यहाँ पे कितना लिखा है 8 और यहाँ पे क्या लिखा है 27। पहले सारे नंबर को देखो क्या कॉमन चीज है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, यहाँ लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब। पहला कंसेप्ट क्लियर, पहला हमारा पिक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ 64, ये किसका क्यूब होगा, 4 का, 5 का क्यूब और ये हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब। नेक्स्ट 7 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 8 इंक्रीज, 8 क्यूब, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आएगा, 8 का क्यूब कितना था 512, आंसर 512, कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सॉल्व करो, 34, ओके वेरी गुड, एनीवन एल्स कौन सा देना चाहता है? हाँ ये सुरेश द्विवेदी ने हमको ट्रिक बताई है सर, कि अपर रैंकिंग प्लस लोअर रैंकिंग -7। मैं इसको आपको अलग तरीके से समझाता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे ज्यादा इजी लगता है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि उसकी टॉप से रैंक कितनी है 7 है, तो यहाँ से रैंक कितनी होगी 7 और नीचे से रैंक कितनी है 28, यानी दोनों रैंक उसकी कॉमन रैंक है, 7 और 28 उसी की रैंक है। 7 से पहले कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे, 28 से पहले कितने बच्चे हैं, 27 बच्चे, इन दोनों को ऐड करो 27 + 6 33 और एक बच्चा ये बीच में रह रहा है +1 34, आंसर खत्म। तो ट्रिक आना चाहिए, लेकिन आप कितनी ट्रिक याद करोगे, तो पहले सबसे पहला काम होता है बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना, जब वो क्लियर हो जाए तो ट्रिक आप अपने आप बनाना सीख जाओगे। ट्रिक का मतलब होता है स्टेप्स को कम करना, ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टेप्स को कम करना, और कुछ नहीं होता बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। तो पहले इसका मिडिल नंबर निकालो, कौन सा मिडिल नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 का आधा कितना होगा, जैसे ये 27 है मान लो, तो 27 से पहले 13 और 27 से पहले 13, 13 + 13 26 + 1 = 27, यानी कि इसका जो 14th नंबर है वो ढूंढो, 1 2 3 4, अब बच्चों ने आंसर बदल लिए अपने, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
यानी बी वाला ये हमारा नाइन वाला मिडल नंबर है, ये क्या हमारा मिडल नंबर है। अब क्या बोल रहा है, इसके लेफ्ट में इस नंबर का जो ये राइट पोर्शन होता है और ये वाला पोर्शन लेफ्ट पोर्शन होता है, ठीक है जी। आप लोगों ने आंसर चेंज कर लिया, गलत बात है। अब बोल रहा है कि मिडल वाले नंबर के थर्ड लेफ्ट वाला नंबर यानी कि 1 2 3 यानी 4 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा जी आंसर नहीं बदलना होता है, एक बार में आंसर जो टिक हो गया वो हो गया, मैंने देख लिया सबने 5 आंसर दिया है। तो क्या आंसर आएगा, मिडल वाले के थर्ड वाला यानी इधर 1 2 3 यानी 4th इज द आंसर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।